सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं जो हमारी बुलेट है रॉयल एनफील्ड, उसके बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम देना चाह रहे हैं कि मतलब हमने इसमें क्या काम कराया है, कहाँ से कराया है और इसकी क्या कॉस्टिंग पड़ी, और इसकी डिटेल्स बताएंगे। तो भाई और बहनों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी आपको देखने में क्या लग रहा होगा कि मतलब एक साल, दो साल, ज़्यादा 3 साल पुरानी होगी। इस बर्थडे को हमारी जो बुलेट है वो 7 साल की हो जाएगी। मतलब मैन्युफैक्चरिंग 2015 एंड की है इसकी, लेकिन जो हमने जिसकी डिलीवरी ली थी वो ली थी 16 जनवरी 2016 में, ठीक है। तो 2023 आ गया है तो 7 साल की हो जाएगी। अब आपको लग नहीं रहा होगा कहीं से भी ना कि 7 साल पुरानी है। मैं उसका रीज़न बताता हूँ क्यों नहीं लग रहा और क्या क्या इसमें मैंने काम कराया है अभी तक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट लुक से। सबसे पहले आपने देखा होगा क्लासिक में ना, एक यहाँ पे छज्जा सा आता है, यहाँ पे एक ऐसा मतलब स्टील का आता है छज्जा सा, मैंने उसको रिमूव करा दिया क्योंकि अब नए वाले मॉडल में ना वो आ नहीं रहा है। नए वाले मॉडल में ऐसे ही आपको ब्लैक या तो मैट या ग्लॉस इस तरह का आता है वो, तो मैंने वो हटा के यहाँ पे इस पर 50 या 100 रुपये आई थिंक इसकी कॉस्टिंग आई थी उस टाइम पे, और ये मैंने ब्लैक इसको रैप करा दिया था। सेकंड चीज़, लाइट इसके नॉर्मली आपको देखने के लिए मिल रही होगी, लेकिन इसके अंदर का बल्ब चेंज है, ठीक है। मैं आपको एक बार चेकआउट करा देता हूँ, मैंने बल्ब कहाँ से चेंज कराया, क्या कॉस्टिंग थी बल्ब की। ये देखिए, इसके अंदर एलईडी का बल्ब जो है वो मैंने इंस्टॉल कराया था, आई थिंक वो 40-45 वॉट का है, 750 के आसपास पड़ी थी, और उसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया था मैंने 50-100 रुपये, मतलब आप 800 का मान सकते हो कि 800 का मैंने इसमें एक एलईडी बल्ब इंस्टॉल कराया था। इसके अलावा जो आपने देखा होगा, जो आपकी इसकी नज़र जा रही होगी वो इसके हैंडल बार पर जा रही होगी। ये हैंडल बार, पहले इसमें नॉर्मली छोटा सा एक हैंडल बार आता है वो स्टील वाला, उसमें क्या था ना, वो है तो अच्छा क्लासिक के हिसाब से ना, उन्होंने उसको डिज़ाइन नहीं किया, पता नहीं क्यों। अगर आप इलेक्ट्रा देखोगे या स्टैंडर्ड देखोगे तो उसमें काफ़ी बड़ा हैंडल बार आता है, बट इसका जो हैंडल बार था वो काफ़ी छोटा था, तो उसकी वजह से थोड़ी सी जो पोजीशन थी बुलेट पे थोड़ी एग्रेसिव थी, आगे झुक के थोड़ा सा मतलब बैठना होता था और उसमें वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा फील होती थी। तो मैंने इसमें RD 350, यामा जो RD 350 आती थी उसके नाम से हैंडल बार आता है, इजीली आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगा RD 350 के नाम से। तो ये मैंने शायद 200 या 250 के आसपास का ऑनलाइन मंगाया था फ्लिपकार्ट से। इसके अलावा आपको ये ब्लैक कलर का है, ये तो इसका जो मैंने थीम रखा है ना डार्क एडिशन, तो ये इसके साथ पूरा मैच कर रहा है, ठीक है। बाकी आप मिरर्स देख सकते हो, ये मिरर्स जो है मैंने ये भी इंस्टॉल कराए थे, ये मिरर्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी, लेटेस्ट जो बुलेट आ रही है आपकी 350-500 सब में मैट, जो मैट में आ रही है आजकल उसमें ये वाले मिरर्स जो है वो यूज़ हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आप देख सकते हो। ये भी मैंने ओरिजिनल ही मंगाए थे, ये कौन सी कंपनी के आते हैं, FIEM, आप चेक कर सकते हो, FIEM के ये मिरर्स आते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। बाकी जो नंबर प्लेट है इसकी वो पहले भी ये वाली आई थी, बट वो काफ़ी पुरानी हो गई थी, 6 साल पुरानी हो गई थी, तो वो काफ़ी घिस गई थी, तो मैंने इसको भी अपडेट कराया। ये तो ऑनलाइन आप कहीं से भी जाकर करा सकते हो। इंडिकेटर्स पर आप ध्यान दोगे तो इंडिकेटर्स भी ये मैंने चेंज कराए थे, आई थिंक 550 के ये 4 लग गए थे, ये ऑफलाइन मार्केट से ही लगवाए थे मैंने मेरठ से। इसके अलावा आप ये देख सकते हो, ये मैंने बहुत पहले लिया था, ये जब मतलब मॉडिफिकेशन कराई थी तो पहले लगा लिया था मैंने, उस टाइम पे इसका काफ़ी चलन चल रहा था, कोई जैगवार ले रहा था, कोई शेर लगा रहा था, कोई यार तलवार लगा रहा था, पता नहीं क्या क्या चल रहा था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे करा दिया था। अब इसमें क्या है ना, छेद होकर लगता है, आप देख सकते हो यहाँ पे छेद होता है इसमें। अब मैं अगर इसको निकाल दूंगा तो छेद काफ़ी बुरा लगेगा, तो मैंने कहा चलो यार पूरी बुलेट ब्लैक है, ये अगर सिल्वर भी है कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत तो क्रोम का पार्ट भी इसमें होना चाहिए। और इसकी कंडीशन अभी ठीक है, थोड़ा गंदा हो रहा है वैसे, कंडीशन ठीक है इसकी, इसलिए मैंने रखा हुआ है, 250-300 रुपये का ये आराम से मिल जाता है, ठीक है। और इसमें मैं अगर आपसे बात बताऊं तो इसमें पहले जो ये था आपका लेग गार्ड, वो इसके अंदर स्टील वाला था, जो आता है ना वो टिपिकल सा जिसमें 3 ऐसे डंडे से होते हैं और इधर उधर, तो वो वाला लगा हुआ था, तो वो ना इसके साथ मैच नहीं कर रहा था, फिर मैंने उसको उतरवा के ये लगवाया था, ये शायद 700-800 रुपये का पड़ा था मुझे, और ये ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड का है। आप देख सकते हो इसकी पहचान यही है कि इसमें जो रॉयल एनफील्ड होगा ना वो एम्बेडेड होगा, 3D में दिखेगा आपको, ठीक है। एक इसमें खुलने वाला भी आ रहा था, जो आजकल मतलब खुल जाता है उसका कैप सा, उसके अंदर डंडा वगैरह रख लेते हैं, लेकिन मेरे वो यूज़ का नहीं था, क्योंकि जो मैं इसमें ये लाइट हैंग करा रहा था ना, तो ये फिर मेरी इसमें आपको दिख रहा है स्क्रू तो मतलब आर पार हो रहा है, तो वो फिर कैसे निकलता, तो इसलिए मुझे नॉर्मल वाला लगवाना पड़ा। ये एलॉय व्हील जो है ये मैंने 6500 रुपये के ख़रीदे थे, और काफ़ी डिसेंट सा लुक आता है, और ये
आप देख सकते हो पराडो के आते हैं ये, साई पराडो लिखा हुआ भी होगा इस पर। काफी भारी है भाई ये साई पराडो, ये भी 6500 के थे इंस्टॉलेशन के बाद, और ये लगभग 400-500 इंस्टॉलेशन लग जाती है क्योंकि पूरी बुलेट खुलती है यहाँ से भी पीछे से भी ये ठीक है। फिर मैंने इसका टायर भी अपडेट कराया था, काफ़ी टायर घिस गए थे इसके, टीवीएस टायर का अगला मिला था मुझे, अगला वाला कामयाब नहीं है इसमें। अगर मैं ट्यूबलेस कराता, जो ट्यूबलेस करानी थी, पीछे वाला मैंने इसमें जो है C8 का डलवाया था टायर, आप देख सकते हो जूम C8 ये दिख रहा होगा आपको ठीक है। तो टायर की कॉस्टिंग आई थिंक 1800-1900 का ये था और 1500 का आगे वाला था, 3500 के आसपास टायर डले थे, 6500 के ये हो गए। फिर बात आती है साइलेंसर की, साइलेंसर ना इसमें पहले यही पूरा नॉर्मल सा रखा हुआ है घर पे, यहाँ से आता है पूरा वो लंबा सा आता है यहाँ तक का, और उसके अंदर ना फिल्टर्स होते हैं, ये BS3 है तो शायद उसके अंदर एक बैंड जो पाइप होता है उसके अंदर 1-2 फिल्टर हैं, बाकी साइलेंसर के अंदर 3 या 4 फिल्टर होते थे, तो उसमें जो इसकी आवाज़ थी ना बिल्कुल नहीं निकलती थी, ऐसा लगता था कोई स्प्लेंडर जा रही हो। फिर मैंने क्या करा, बैंड पाइप तो देखो चेंज कराना बेवकूफ़ी है, काफ़ी लोग हैं जो करा लेते हैं, वो राउंड शेप वाला आता है वो पूरा ही मतलब वो आता है, उसमें कोई भी फिल्टर नहीं होता, खोखला होता है वो, तो उसमें जो आवाज़ निकलती है वो बहुत ही इरिटेटिंग निकलती है, मतलब गाली खाने वाले काम लगते हैं मुझे वो, तो मैंने वो नहीं छिड़वाया। बाकी इसकी डिसेंट सी साउंड है, तो मैंने फिर ये इंदौरी वाला साइलेंसर लगवा दिया था। अब ये है तो रॉयल एनफील्ड, लेकिन काफ़ी टाइम से खड़ी है ना, देख रहे हो आप, ये इसके अंदर ना एम्बेडेड है सूटेबल फॉर रॉयल एनफील्ड, तो मैट्स आया थोड़ा गंदा हो रखा है, तो ये भी मुझे ऐसे पड़ गया था 900-950 के आसपास। अब बात है इसके इंजन की, अब आप देख रहे होंगे इंजन जो है ना इसका पूरा वैसा आया था, सिल्वरिश था और क्रोम में था पूरा शाइनिंग वाला, लेकिन वो टाइम के साथ ना उसकी शाइनिंग थोड़ी ख़त्म सी हो गई थी और निशान से आने लगे थे उस पर, तो मैंने इसका लोकल मार्केट में जाके मैट वाला पेंट इसमें करा लिया, और शायद 700-800 रुपये की इसमें कॉस्टिंग पड़ी थी ठीक है। यहाँ तक मैंने कराया था पूरा, ये देख सकते हो आप कि कार्बोरेटर है इसका, कार्बोरेटर तक मैंने इसको कवर करा के अच्छे से ये करा लिया था ठीक है। बाकी तो सीट कवर्स हैं ये, शायद मैंने 300-350 के आसपास के कराए थे, और इसके ना लॉक जो है ये सारे आप देख रहे होंगे, ये वाला लॉक ब्लैक कलर के, ये हुआ, ये वाला लॉक हुआ, और ये एक लॉक यहाँ आता है, एक लॉक यहाँ आता है ठीक है, और 1-2-3-4 एक लॉक यहाँ है 5, और एक लॉक आता है इसका यहाँ पे 6। ये सब लॉक का सेट आया था, आई थिंक ये पड़ा था 900 या 950 रुपये का पड़ा था मुझे, ये भी ये मैंने एजेंसी से लिया था, तो लॉक घिस गए थे इसके, तो उसमें क्या हो रहा था ना, जैसे ऑफ़ पे तो चाबी निकलती है, अब इसी से चाबी निकल गई ऑफ़ पे, लेकिन इसकी ऑन पे भी चाबी निकलने लग गई थी, देख लो अब नहीं निकल रही, तो ये चेंज कराना मस्ट हो गया था। बाकी जो इंडिकेटर्स हैं उसका मैंने यहाँ पे चारों इंडिकेटर का स्विच लगा रखा है, जब मैं इसको कोई सा भी इंडिकेटर अगर मैं जलाऊंगा ठीक है, मान लो मैंने ऑन किया, लेफ्ट इंडिकेटर दिया यहाँ पे आ गया, और लेफ्ट इंडिकेटर जलना स्टार्ट हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसको, अगर मैं इसको प्रेस कर देता हूँ तो अब ये चारों इंडिकेटर जलने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कहीं आप मतलब हजार्ड आपके साथ सिचुएशन है, कहीं फॉग है या कहीं आप रुके हुए हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी आई अपीलिंग लगते हैं देखने में है ना, इसलिए मैंने कराया। इसके अलावा हाँ, इसके अलावा ये वाला स्विच आप देख रहे होंगे, बस 2 ही स्विच हैं एक्स्ट्रा, बाकी तो सब कंपनी वाले होते हैं, पास हाई लो, और ये इंडिकेटर हो यहाँ पर हॉर्न, बाकी यहाँ देखिए इसमें स्विच है, BS3 है ना ये, इसका प्रूफ है आप देख सकते हो, आप सोचोगे कि नई बुलेट है, नई बुलेट को दिखा के ही पता नहीं क्या क्या बता रहा है, ये इसका प्रूफ है कि ये यहाँ पर BS3 है, इसके अंदर स्विच आता है ये वाला, वरना BS4 से जो बुलेट आ रही थी उनमें सब आपने देखा होगा यहाँ स्विच नहीं आता, और यहाँ पर लोग जुगाड़बाजी करा लेते हैं वो, तो ये स्विच मैंने लगवाया, इस स्विच को ऑन करने से आपकी नीचे की फॉग लाइट है प्रॉपर, मैंने फिटिंग अच्छे से जो है इसकी अंदर से करा रखी है, आपको दिखेगी भी नहीं, यहाँ पर मैंने टाई वगैरह यूज़ की हुई है, टाई यूज़ करके ये नीचे इसकी पूरी वायरिंग जा रही है, अंदर से कुछ पता ही नहीं ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई जो मैंने इसमें इंस्टॉल कराई है, बाकी जो इसका पीछे वाला ये है ना, ये आपने देखा होगा क्लासिक का बहुत से लोग उतार देते हैं, और मतलब ज़्यादा अच्छा सा नहीं आता वो, ऐसा ही आता है बिल्कुल इस क्वालिटी का, फिर मैंने उसके ऊपर रबड़ भी चढ़ाई थी
तो रबर्स भी ज़्यादा ना कामयाब नहीं रही, वो कुछ दिनों में फट जाती थी क्योंकि इस पर कुछ भी सामान अगर हम बांधते थे वो रबड़ यहाँ तक आती थी उस पर, जैसे ही आपका कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा लोड पड़ता था, कट लगता था, वो पूरी कट जाती थी, तो कुछ टाइम बाद वो ढीला हो जाता था। तो थोड़ा सा ये लगा लिया, ये थोड़ा सा मतलब क्वालिटी इसकी बढ़िया है और पीछे एक तरह से सपोर्ट आ जाता है, अगर कोई पीछे लेडीज़ बैठती हैं या कोई भी अगर जेंट्स थोड़ा पीछे होकर बैठता है तो आराम से इस पर वो रेस्ट कर सकता है। बाकी पीछे कुछ नहीं है, ऐसे ये स्पीकर लगाया हुआ है मैंने, नंबर प्लेट मैंने आपसे बताई थी, नंबर प्लेट जो है वो मैंने फिर से ऑर्डर की थी विद फ्रेम मैंने लगवाई है, देहरादून का, देहरादून से हमने ली थी बुलेट, देहरादून का ही आप नंबर वगैरह दे सकते हो, एलाइट ऑटो वहाँ से ये परचेज है। बाकी इसमें जो बचा चेंजेस वो तो ऐसा कुछ नहीं कराया मैंने, हाँ एक इंजन प्लेट लगवाई थी, ये काफ़ी अच्छी भी लगती है और ये मतलब प्रोटेक्ट करती है, आपने देखा होगा जब पहले नहीं थी ना, तो उसके मरघाड़ इतने बड़े तो है नहीं, अब अभी नीचे से पूरा गारा वहाँ पे चला जाता था, देख भी सकते हो अभी पहले का गारा गया हुआ है, अभी काफ़ी रोग भी ले, इंजन को मतलब सपोर्ट भी करती है ठीक है, और नहीं ये मतलब ख़राब हो गया था मैंने चेंज करा लिया था, 200-300 पावर मिल जाता है इसका, देख सकते हो आप गोल्डन कलर वाला जो है ना, ये वाला चेंज है, ये वाला ओरिजिनल है, बढ़िया बचता है अपना और इसमें ABS नहीं आता है। तो यही था इसका ओवरऑल, बाकी बताऊंगा मैं आपको इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितना इसमें हमने स्पेंड किया अभी तक और क्या क्या मतलब अच्छी है, लेने लायक है अगर आप जाते हो रॉयल एनफील्ड के लिए, क्योंकि देखिए नई तो ऐसा वाला मॉडल अब आ ही नहीं रहा, अब काफ़ी चेंज कर दिया है ना, और अब सब FI सिस्टम आ गया है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आ गया, कार्बोरेटर आपको पता ही है बंद हो ही गए हैं, इवन स्कूटी या बाइक छोटी से छोटी स्प्लेंडर भी आप देखोगे तो अब कार्बोरेटर सिस्टम सब बंद ही हो चुका है, BS6 के नॉर्म्स जो ऐसे ऐसे आ गए हैं उनकी वजह से, तो अभी 7 साल पुरानी है, उसके हिसाब से हमने इस पर क्या खर्चा किया है क्या नहीं, कितना ये वर्थ है कितना नहीं, वो सारी चीज़ें मैं आपसे बताऊँगा। एक चीज़ रह गई थी गाइस, मैंने यहाँ पर जो इसकी टैंक है ना, इस टैंक को भी पूरा रैप करा दिया था, आप ध्यान से देखोगे ना यहाँ पर आपको टेपिंग दिख जाएगी, इससे क्या है अपना टैंक पूरा नया सा रहता है बिल्कुल, मतलब कितना पुराना देख लो, और ये ग्लॉसी वाला है मतलब इसको अगर आप अच्छे से इस पर साफ़ कर दोगे ना तो पता भी नहीं चलेगा दूर से देखने में इस पर कुछ हो रखा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कंपनी बिल्कुल OEM का। बाकी एक स्टिकर था ये तो मैंने ऐसे पेंट करा दिया था, स्टिकर पर रखे हैं पेंटिंग करा दी थी वो फिर हटा दिया था, तो ऐसा निकल के आ गया था ये। बाकी इसमें बैटरी वगैरह वो सब चीज़ें चेंज होती हैं नॉर्मली टाइम के साथ। तो गाइज़ इतना ही था, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।